नरेंद्र मोदी कर्म से राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मन से बाबा केदार के भक्त हैं, उपासक हैं, शक्ति के आराध्य उनके शिव हैं, गुरुओं में उनका विश्वास है, आस्था की दुनिया और उस दुनिया की हर देहरी पर प्रधानमंत्री मोदी के श्रद्धा में डूबे हुए कितने ही किस्से हैं। मंदिर की घंटियों और आरती के गूंजते श्लोकों में प्रधानमंत्री मोदी की निष्ठा है। प्रधानमंत्री पद के दायित्व के धागे में उन्होंने जिस तरह आस्था की मोतियों को पिरोया है, वो उनकी कहानी को आध्यात्म के शिखर की ओर ले जाता है। सत्ता के शीर्ष पर सन्यासी सा वैराग्य, ये साधुता का संस्कार है या विचारों का मंथन? राजनीति निष्ठुर होती है, हर क्रिया पर निर्मम प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन का आचरण भी संकेत देता है। प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे, तो अपने आप में खुद को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। राजनीतिक जीवन हो या आध्यात्मिक शैली, जिसने जैसा समझा वैसी परिभाषा गढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में धर्म कभी कर्म के आड़े नहीं आया। कर्म ने जरूर धर्म से कुछ न कुछ लगातार ग्रहण किया। कई बार मिलने के लिए जब अवसर मिलते थे तब याद करते थे कि मेरी राजकीय क्षेत्र की शुभ शुरुआत राजकोट गुरुकुल में भगवान दर्शन और संतों का आशीर्वाद से मैंने किया है, वो गुरुकुल में आए। जब ही उन्होंने बताया कि मैं ये गुरुकुल के संतों के सानिध्य में रहकर इतना डिवाइन एनर्जी मुझे मिलती है कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा जब उन संतों के सानिध्य में रहने का अवसर मुझे मिलते हैं तो मेरी चेतना उजागर हो जाती है। प्रखर सन्यास और प्रचंड सत्ता की पतली पगडंडी पर चलते चलते कभी राजनीति के कुशल ज्ञाता तो अगले ही पल किसी मंदिर के महंत। कभी सन्यासी की वेशभूषा में राज सत्ता के शिखर पुरुष, कभी सत्ता की सीढ़ियां उतरता मठों की ओर बढ़ता कोई साधु। एक तरफ राजकीय राजधर्म, दूसरी तरफ साधक का मूल स्वभाव, बीच में वडनगर गुजरात से दिल्ली की यात्रा करते नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। सत्ता के संघर्ष, साधुओं की संगत, राष्ट्र वंदना के स्वर, आध्यात्मिक चेतना के अनुभव और निरंतर खुद से संवाद, ये वो श्रृंखला है जो कभी टूटी नहीं। कहते हैं कर्ता और कर्म एक हो जाए तब सिद्धि सहज हो जाती है। कर्ता को क्रिया नहीं करनी पड़ती और कर्म कर्ता का इंतजार नहीं करता है। कर्ता और कर्म एक रूप हो जाते हैं तब सिद्धि की अनोखी अवस्था हो जाती है।